स्त्रियों के साथ एक चीज हमेशा होती है, पता है? आप कभी भी स्टेशन में होती हो, बाजार में होती हो, तो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। भीड़ भाड़ में अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके साथ ये हरकत जरूर हुई होगी। ये हर स्त्री के संग होती है, क्यों जी? सही है, शायद कोई बची हो। अब आप स्टेशन में हो, रेल में हो, मेट्रो में हो, बाजार में हो, नाना प्रकार के कुछ लोगों का काम ही होता है जो गलत बातें करते हैं और गलत तरीके से देखते हैं और गलत तरीके से आपको टच करने की, छूने की कोशिश करते हैं। लगभग 99% स्त्रियों के साथ ये घटना होती है कि उसे भीड़ भाड़ में कोई गलत तरीके से छू ही देता है। आप चाह करके भी रोकना चाहें तो किसको कहेंगे, वो टच करके चला जाता है, जो होता आप पहचान नहीं पाते कौन किसका हाथ था। तो ऐसा होता है कि नहीं, हाँ या ना? जोर से, थोड़ा जोर से बोले, होता है। अब आप बताइए कि आप नहीं चाहती हो कि आपको कोई छुए, फिर भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ना चाहने पर भी आपको छूते हैं, और छूते हैं गलत तरीके से, गलत नियत से। अब जरा विचार करो कि आपकी मर्जी ना होने पर भी जब आपको समाज में कुछ लोग गलत तरीके से छूते हैं और आपने किसी के आई लव यू को एक्सेप्ट किया, तो फिर तो आपने उसे छूने की इजाजत ही दे दी ना। आई लव यू एक्सेप्ट करने का मतलब ही यह हुआ कि आपने अपने आप को छूने की उसे इजाजत। वो तो समाज में ऐसी लड़कियों को छूता ही फिरता था और रोज 10-20 को आई लव यू भेजता था कि कोई तो एक्सेप्ट करेगी। आपने कर लिया, उसे तो मौका चाहिए था आपको छूने का, लो आपने मौका दे दिया, अब तो वो आपको छुएगा। और छुएगा क्या, वो आपके साथ नाजायज संबंध बनाएगा। और जब आप फोर्स करोगी ना, शादी कर लो अब हमसे, आपने हमारा शोषण किया, तो जब आप फोर्स करोगी कि नहीं शादी करो आप, तो फिर वो आपके 35 टुकड़े करके सूटकेस में भर के चला जाएगा या कुत्तों को खिला देगा। क्या ये समाज में नहीं होता? क्यों? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्यों क्यों आप किसी को अपने इतने करीब आने देती हो कि वो आपको कहीं भी छू के चला जाए? ये प्यार नहीं है मेरी बहनों, ये प्यार नहीं है। प्यार कोई ऐसा नहीं होता कि बस हम तुम्हारे शरीर का शोषण करेंगे, इसी का नाम प्यार है। प्यार कुछ चाहता नहीं, मैंने प्यार की पहले ही व्याख्या कर दी। प्यार कुछ लेता नहीं है, प्यार तो आपको केवल खुशी देने का मकसद है। प्यार केवल माँ का होता है, पिता का होता है, शादी के बाद पति और पत्नी का भी होता है, लेकिन शादी के पहले ये जो आप प्यार कहती हो ना, ये प्यार नहीं है, ये वासना। ये तो वासना को ढकने के लिए लोगों ने प्यार की परत चढ़ा दी, प्यार नाम का पर्दा डाल दिया। प्यार का क्या डाल दिया? पर्दा, के हमारी वासना छिप जाए, हमारी ये हैवानियत छिप जाए, इसलिए प्यार का पर्दा डाल दिया। अब आप अपने आप को लुटवाना चाहती हो तो आप लुटवाओ, कौन मना कर सकता है, लेकिन ये समाज तो आपको लूटने के लिए तैयार है। ये दुनिया आपको लूटने के लिए तैयार है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी, द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए उनके अपनों ने, तो गैरों का क्या भरोसा? अपनों ने कपड़े उतारे तो गैरों का क्या भरोसा? हाँ या ना? दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखती है आपको। इसलिए मेरी बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कोई आपको आई लव यू कहे तो उसके चक्कर में ना पड़ो, उससे कहो कि तू मुझे आई लव यू क्यों कहता है, तेरे इस आई लव यू की जरूरत तेरी माँ को है, तू अपनी माँ से प्यार कर, अपने पिता से प्यार कर। मुझे आई लव यू कहने वाली मेरी माँ है, मुझसे प्यार करने वाली मेरी माँ है, मेरा पिता है, मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। शादी पढ़ लिख कर योग्य बन जाओ, फिर शादी कर लेना, फिर रोज आई लव यू कहो, कौन मना करेगा? क्यों जी, फिर क्या दिक्कत है? शिकार मत हो जाना। आज कितनी लड़कियां प्यार कर लेती हैं
और प्यार करने वाले लड़के आपको पहले प्यार के जाल में फंसाएंगे और प्यार के जाल में फंसा के आपसे शादी कर लेंगे, और जब वो शादी कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो हिंदू ही नहीं है, ये तो हमारी जाति समाज का ही नहीं है, ये तो हमारे धर्म का ही नहीं है। और बाद में वो अन्य देशों में आपको हनीमून के बहाने ले जाएगा और 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख में बेच देगा। सारी जिंदगी वहां होटलों में तुम्हारे शरीर का शोषण होगा, वैश्याओं की तरह तुम्हें रहना पड़ेगा, कपड़े धुलने बर्तन धुलने पड़ेंगे, जमाना तुम्हें नोचेगा सारी जिंदगी जब तक जियोगी। समाज में ये हो रहा है क्यों जी? स्त्रियों लड़कियों की तस्करी होती है कि नहीं? हाँ यार, सुना कि नहीं? कौन करते हैं ये लोग? ये वही लोग तो हैं जो प्यार करते हैं पहले लड़कियों से, फंसाते हैं और ले जाके बेच देते हैं, और लड़कियों को लगता हम तो प्यार नहीं, हमारा वाला ऐसा नहीं है महाराज जी। हाँ, तुम्हारे वाले के माथे में लिखा है क्या? सबके वाले ऐसे ही होते हैं। शादी वहां करनी चाहिए जहां माँ बाप की राजी मर्जी हो, आप सबकी राजी मर्जी हो, धूमधाम से विवाह होता है हमारे यहाँ। चोरी चुपके चुपके ब्याह नहीं होता। क्यों जी? विवाह चोरी चोरी चुपके चुपके होता है। अरे धड़ल्ले से सबके सामने लड़की आती है माला लेकर और मंच में खड़ी होकर सारे समाज के बीच में माला पहनाकर 100-200 बारातियों के साथ अकेली चलती है शेरनी की तरह। ये शादी ये है चोरों की तरह, भागते भागते गए कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट में भी एक संशोधन होना चाहिए। मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि जज क्या करते हैं कि लड़का लड़की आए और जज साहब ने कोर्ट मैरिज करा दी। अरे जज साहब, कोर्ट मैरिज करने के पहले एक बार लड़की की माँ या लड़के की माँ, लड़की के पिता या लड़के के पिता का होना आवश्यक है। जिस माँ बाप ने बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया है उसकी शादी में खड़े होने का उसके बाप को उसकी माँ को भी तो अधिकार है। आप जज साहब हैं, आपके साइन से शादी हो गई तो क्या उसके बाप के साइन की जरूरत नहीं है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया? यदि माँ बाप के साइन की जरूरत कोर्ट में नहीं पड़ती तो सवाल है फिर स्कूलों में क्यों साइन की जरूरत पड़ती है माँ बाप की? फिर बिना साइन के क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा लिखा दिया जाता? क्यों नहीं वो जज पढ़ा देते, चलो भैया हम तुम्हारी शादी करा देंगे तो हम ही तुम्हें पढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट के कार्यकर्ता हो आप तो गवर्नमेंट ही पढ़ा दे फिर बच्चों को, तुम ही पढ़ा लो। लाखों का खर्चा माँ बाप करते हैं पढ़ा लिखा के योग्य बनाए, और लड़की अपने लिए बिना जाने समझे गलत निर्णय ले लेती है। जो शादी होती है ना वो जीवन साथी है आपका, आपकी मर्जी से चुनो, लेकिन एक बार माँ बाप को बता दो, माँ बाप आपके लिए बेहतर चाहेंगे। यदि योग्य लड़का आपने चुना है तो विवाह कर देंगे, योग्य नहीं है तो नहीं करेंगे। शादी एक दिन की नहीं होती बेटा, सारी जिंदगी निभानी पड़ती है और समाज में रहना पड़ता है। एक बात बताएं, समाज में वही लोग बढ़िया हैं समाज में जो सम्मान से रहते हैं। देखो पैसा अलग विषय है, मैं आपसे कहता हूं घास की झोपड़ी में रह लेना, पैदल यात्राएं कर लेना, नमक रोटी खा लेना, परंतु समाज में सम्मान से रहना। पैसा बहुत है आपके पास पर आप चरित्रहीन हैं। आप किसी लड़की के संग भाग कर शादी कर लेते हैं, किसी लड़के के संग भाग कर आप शादी कर लेते हैं। पैसा बहुत है, पैसे से आपको समाज में सुविधाएं तो मिल जाएंगी लेकिन समाज आपका सम्मान नहीं करेगी। बोलो हाँ या ना? इसलिए सम्मान सबसे बड़ी दौलत होती, इसलिए अपना सम्मान ना गवाइए। चरित्र की पूजा होती है, चरित्रवान बनना है चरित्रहीन नहीं। तो कोई भी लड़की गलत कदम उठाने के पहले वो ये जरूर सोच ले कि हम जो कर रहे हैं उसके कितने भयंकर परिणाम होंगे। बताइए कोर्ट मैरिज में माँ बाप की उपस्थिति जरूरी होनी चाहिए कि नहीं? माँ बाप का सिग्नेचर चाहिए कि नहीं? माँ या बाप या भाई कोई एक हो, चाहिए कि नहीं? तो ये कानून अंधा है, पट्टी उतार देनी चाहिए कि नहीं कानून की? अब बहुत दिन हो गए पट्टी लगाए, अंधा कानून नहीं होना चाहिए साहब, आंख वाला कानून होना चाहिए। कानून अंधा होना चाहिए कि आंख वाला? बोलो,
अंधा कानून तो धृतराष्ट्र का था। भरी सभा में बेटी द्रौपदी लुटती रही, तमाशा देखते रहे। कानून अंधा था तब तो लुटती रही, आंख वाला होता तो कोई देख पाता, कोई देखने वाले नहीं था। तो अंधा कानून ऐसा होता, इसलिए कानून अंधा नहीं होना चाहिए, कानून आंख वाला होना चाहिए। हाँ या ना? यदि स्कूलों में, क्यों जी, स्कूल कॉलेजों में माँ बाप के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है कि नहीं, जब बच्चों का हम एडमिशन कराते हैं? हाँ या ना? पड़ती है ना? तो फिर शादी में क्यों नहीं जरूरत पड़ती? फिर क्यों नहीं जज साहब कहते कि माँ का साइन लगेगा या बाप का साइन लगेगा तब पास होगा ये? क्यों नहीं, क्यों नहीं, अंधा क्यों? माँ बाप की बड़ी इज्जत करनी चाहिए, बड़ी कदर करनी चाहिए। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, माने जब तुझे ममता दीनी तब तूने मां जानी, माने जब तुझे दूध पिलाया तब तूने मां पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। अच्छा बताओ, लड़का लड़की जब शादी कर लेते हैं तो माँ बाप को दुख होता है कि नहीं? इसलिए माँ बाप की खुशी का भी बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। शादी, अच्छा ये बताओ मैया, शादी कहाँ करनी चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होना चाहिए कि क्षत्रियों में? फास्ट, ब्राह्मणों का विवाह कहाँ होना चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए या क्षत्रियों में? जोर से, जोर से, ब्राह्मणों का विवाह कहाँ होना चाहिए? ब्राह्मणों में। और क्षत्रियों का विवाह? क्षत्रियों का विवाह ब्राह्मणों में होना चाहिए कि वैश्यों में? जोर से, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का विवाह, ये व्यवस्था। अब आप यहां का उठा के वहां रख दो, वहां का यहां कर दो, तो व्यवस्था बननी नहीं है, केवल बिगड़नी है। हिंदुओं का विवाह हिंदुओं में ही हो। यदि हिंदुओं का विवाह मुस्लिमों में हो गया तो हिंदुओं में तो लड़की गाय को माता मानती है और मुसलमान तो गाय को मार के खा जाते हैं, तो जो गाय को माता मानते हैं और जो गाय को खाते हैं वो दोनों कैसे रह सकते हैं? बताओ, कितना मिसमैच होगा ना विचार। इसलिए विचारों का मैच बना रहे, विचार बने रहे एक से, इसलिए ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिलते जुलते हैं, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते जुलते। वैश्य, तुम्हारा पिता भी व्यापारी है, तुम्हारा ससुर और पति भी व्यापारी है, तो व्यापारी के व्यापारी से विचार बढ़िया मिल रहे हैं, वैश्य का वैश्य से ठीक चल रहा है और शूद्र का शूद्र से, जो जिस परंपरा से है शादी। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और शादी करो जान के। शादी विवाह जरा विचार करके करना चाहिए, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनों जग में होत हंसाएं।